गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो आई एम सो सॉरी, वो लाइव स्ट्रीम एकदम से बीच में जल्दी जल्दी में मुझे काटनी पड़ी। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट थोड़ा इंटरनेट ग्लिच हो रहा था, पता नहीं प्रॉब्लम ही क्या हो रही थी। खैर, तो एक वीडियो बना के मैं अलग से डाल देती हूँ जिसमें सारे ही जितना भी मैंने लाइव स्ट्रीम में बोला था उतना मैं यहाँ आपको क्लियरली समझा दूँ। यहाँ वो स्ट्रेटजी है जैसे कि आप सीसैट को क्वालिफाई कर सकते हो 5 से 10 दिन में। तो कैसे आप करोगे इसको 5 से 10 दिन के अंदर? सबसे पहले जानते हैं कि सीसैट का पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं और कितने मार्क्स को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी होते हैं। तो देखिए, आज से अगर हम 8-9 साल पहले की बात करें तो यूपीएससी पेपर 2 लेती थी। अब पेपर 2 की जगह यूपीएससी ने उसका नाम बदल के सीसैट कर दिया, इसको क्वालिफाइंग कर दिया। क्वालिफाइंग का मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ 33% लाने हैं। 33% मार्क्स आप ले आओ, आप क्वालिफाई हो जाओगे। इसके कोई भी मार्क्स आपके जीएस पेपर में नहीं जुड़ेंगे, है ना, पेपर 1 में नहीं जुड़ेंगे। तो आपको कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है इसको। अब देखिए, पहले अगर हम बात करें उन बच्चों के बारे में जिन्होंने पहले कभी एमबीए किया है या उन्होंने कोई बैंक के एग्जाम के धक्के खाए हैं या निकाल भी लिया है लेकिन फिर से यूपीएससी करने आए हैं, तो ऐसा कोई भी बच्चा है जिसे आपका एप्टीट्यूड या आपकी रीजनिंग या आपकी ग्रामर पहले सॉल्व करी है, तो उसके लिए तो कोई इश्यू नहीं है। वो बस 1-2 बार प्रैक्टिस करे और वो चला जाए एग्जाम देने, एग्जाम निकल जाएगा, कोई बहुत टफ नहीं होता। दूसरी बात, उन बच्चों के बारे में जो एकदम नए हैं, उनको कुछ नहीं पता सीसैट के बारे में, तो उनके लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सीसैट में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस पहले यूपीएससी जो है वो 100 पूछा करती थी, जो कि 200 नंबर के हुआ करते थे। राइट नाउ यूपीएससी इज आस्किंग जस्ट 80 क्वेश्चंस, बट मार्क्स जो है अभी भी 200 ही है। 80 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है, बात क्लियर है। अब आप पूछोगे मैम कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली बात, जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक न्यूमेरेसी के होते हैं। उसमें साफ साफ यूपीएससी ने लिख रखा है कि बेसिक का मतलब क्लास 10 तक के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आपको कोई बहुत घबराने की बात नहीं है कि हम बहुत हाई लेवल की मैथ्स पूछी जाएगी, बहुत ही इजी मैथ्स होती है। दूसरे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि आते हैं इंग्लिश ग्रामर के, उसमें आपके कुछ पैराग्राफ्स पूछे जाएंगे, उन पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देके उन पैराग्राफ को सॉल्व कर लेना है। फिर दोनों ही करने में थोड़ा सा डगमगाते हैं, उनके लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, जैसे कि पाई चार्ट या तो फिर कोई चार्ट बना है, कोई डायग्राम बना है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये तो हमने बात कर ली। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग का मतलब होता है कि मेंटल एबिलिटी आपकी चेक करने के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आएंगे, तो बहुत इजी होता है वो भी, कोई टफ चीज नहीं होती है। और हमारी कोशिश रहेगी प्रीलिम्स से पहले हम करीब 2-4 पेपर्स आपके सॉल्व करवा दें, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब इनके लिए अगर मैं बुक्स की बात करूं कि आप कौन कौन सी बुक्स यूज करो, तो देखिए इसके लिए कोई खास बुक की जरूरत पड़ती तो नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई बुक यूज करनी है, आपको नहीं पता, आप नए हो, तो आप टाटा मैग्रोवेल की बुक्स आती है वो यूज कर सकते हो, कुछ अरिहंत की बुक्स आती है, है ना, वो यूज कर सकते हो, या आपको मैथ्स की अपनी जो बुक्स लगानी है आप वो लगा के यूज कर सकते हो। कुछ ऐसा कोई टफ कोई आफत नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप प्लीज इसमें बहुत अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप मेनली टाइम जीएस को दें। अगर आप बहुत वीक हैं इसमें तभी आप इसमें अपने 10-15 दिन इन्वेस्ट करें, मतलब वो भी कुछ कुछ घंटे, पूरे पूरे दिन नहीं, कुछ कुछ घंटे। जैसे आपने पुराने टेस्ट पेपर्स लगा लिए 5 साल के, जो कि बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी प्रैक्टिस को और अच्छी करना है। अगर आप बहुत ही पुअर हो तो आप टेस्ट पेपर्स भी लगा सकते हो, जो आपके मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं। तो इतना आपने कर लिया, ठीक है। अब आपके माइंड में आया होगा मैम मैं 80 में से वो ऐसे कौन से क्वेश्चंस उठाऊं जो मेरे को वेटेज दें, क्योंकि भाई 80 नंबर के तो 80 क्वेश्चंस हैं और 200 नंबर के हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन जो है वो सेम मार्क्स का हो। तो मेरी आपको राय ये है कि आप वैसे क्वेश्चंस उठाओ जिसके लिए आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि यही आंसर होगा। कुछ आंसर्स देख के ही आप बता सकते हो, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है तो आप डगमगाइए नहीं, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो सिर्फ वही आंसर मार्क करके आइए। 33% लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप क्वालिफाई करोगे, इसका कोई भी नंबर आपके प्रीलिम में नहीं जुड़ेगा, तो आपको घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है, बात क्लियर है। तो यही सीसैट की बात कंप्लीट होती है, और मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सीसैट को अच्छे से वहां पे डिस्कस करूं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे है।